खबरें विस्तार से। सावधान, अब सोशल मीडिया पर ग्रुप बनाना बन सकता है आपकी मुसीबत का बड़ा कारण। अगर आप बिना जांचे परखे किसी के पोस्ट को किसी दूसरे ग्रुप में रिपोस्ट करते हैं तो ये भी बन सकता है आपके जी का जंजाल। और अगर आपने कोई व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है और आपके ग्रुप में से किसी ने ऐसा कुछ पोस्ट कर दिया है जो आपत्तिजनक हो और किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाता हो तो ये भी आपके लिए समस्या पैदा कर सकता है। इसलिए अब सोशल मीडिया का प्रयोग आप समझ बूझकर और गंभीरता के साथ करें, क्योंकि सोशल मीडिया पर आजकल चल रहे ऐसे पोस्ट को लेकर जिला प्रशासन द्वारा कड़ी निर्देश जारी किए गए हैं। सोशल मीडिया पर किए जाने वाले ऐसे पोस्ट जिससे किसी की धार्मिक भावना आहत होती हो या समाज या शहर में धार्मिक विवाद उत्पन्न हो सकता हो को लेकर जिलाधिकारी मिथिलेश कुमार मिश्र ने कड़ी निर्देश जारी करते हुए केबीसी न्यूज को बताया कि ऐसे हालात में व्हाट्सएप ग्रुप एडमिन को उस व्यक्ति के विरुद्ध तुरंत कार्रवाई करनी होगी जिसने उसके ग्रुप में ऐसा कुछ पोस्ट किया है। अभी हम लोगों ने एक पहला जो आदेश निकाला है वो अपने पदाधिकारियों के लिए निकाला है कि अगर उनकी जानकारी में ऐसा कोई मामला आता है तो क्या करेंगे। पहला चरण है कि अगर कोई आपत्तिजनक मैसेज है तो उसकी भर्त्सना करेंगे, और अगर कोई लिखित शिकायत प्राप्त होती है किसी व्यक्ति समूह से उसके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई करेंगे। आज एक और हम पत्र निकालने जा रहे हैं सभी ग्रुप एडमिन के लिए और सभी सदस्यों के लिए। एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है जिसके द्वारा सबको ये चेतावनी दी जा रही है कि कोई भी व्यक्ति आपत्तिजनक सामान आपत्तिजनक सामग्री पोस्ट न करे। यदि इस तरह की कोई बात आती है या कोई पोस्ट फॉरवर्ड करता है तो सबसे पहले तो उस व्यक्ति की भर्त्सना करनी है, उस व्यक्ति को बोलना है कि माफ़ी मांगे, अगर नहीं मांगता है तो उसे ग्रुप से बाहर निकाला जाएगा। साथ ही साथ जो ग्रुप एडमिन है उनके ऊपर ये जिम्मेदारी तय की जाएगी कि ऐसे दोषी व्यक्ति को चिन्हित करके प्रशासन को उसका नाम बताएं और उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। इसलिए रहिए सावधान और बनाए गए ग्रुप पर रखें पैनी नज़र।